बैराड कृषि उपज मंडी में 80 गांवों के किसान ठंडे पानी के लिए तरसे, प्रशासन से लगाई गुहार। बड़ी खबर, शिवपुरी जिले के बैराड तहसील कृषि उपज मंडी बैराड से निकलकर सामने आ रही है। बैराड की कृषि उपज मंडी में आज बुधवार को मंडी में लगभग 80 गांवों के किसान ग्रामीण क्षेत्रों से फसल बेचने आए। किसानों को कई समस्याओं का करना पड़ रहा है सामना। पत्रकारों की टीम को किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तपती गर्मी के मौसम में उबलता हुआ पानी पीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। दूर दूर से फसल बेचने आए किसानों को मंडी प्रांगण में चार चार दिन रुकना पड़ रहा है। ना कोई खाने की व्यवस्था, ना सोने की और ना ही कोई शौच की व्यवस्था है। साथ ही किसानों ने बताया कि मंडी प्रांगण में 3 शौचालय, 3 पानी पीने की टंकी है। किसानों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस गर्मी के मौसम में हम लोग उबलता हुआ पानी पीने के लिए मजबूर हैं और 3 शौचालय में हजारों किसान किस प्रकार से दाखिल हो सकते हैं। पिछले 3 दिनों से मंडी प्रांगण में किसान ठहरे हुए हैं। उन्हें कैंटीन द्वारा ना ही कोई टोकन दिया गया है या किसी भी प्रकार का भोजन दिया जा रहा है, जिससे किसानों को काफ़ी हद तक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर भूख और प्यास से बेहाल किसान की ओर ना कोई ध्यान दे रहा है, ना ही कोई उनके सुनने वाला है। आखिर किसान बेचारा करे तो क्या करे, शासन प्रशासन ने भगवान भरोसे छोड़ दिया। और एक ओर सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर फसल खरीदी करने के लिए कोई खरीदी पॉइंट नहीं बनाई गई, जिससे किसानों को कम दामों पर अपनी फसलों को बेचना पड़ रहा है। बैराड से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कॉम्प्लेक्स की व्यवस्था होना चाहिए, 10 लैट्रिन बाथरूम होना जरूरी है, कोई व्यवस्था नहीं है। अब किसान बोलेंगे तो क्या, मुँह में पानी भी नहीं है, कहे बोला तो यहाँ पर शौचालय बनी है तो उनका क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? आते हैं व्यापारी, जाते हैं उसमें लैट्रिन, कोई किसान जाता है क्या बता दे, कोई किसान लगे कोई किसान, कोई भी किसान बता दे ना कि हम किसान लोग उसमें लैट्रिन करने जाते हैं। व्यापारी आता है, व्यापारी इसके बाद खरीदारी करता है, पेशाब जाता है, लैट्रिन जाता है, अन्यथा किसान की औकात नहीं है। इसकी आपने कहीं कंप्लेंट की है क्या? कंप्लेंट कौन करेगा, सब गरीबी है। मंडी सचिव से कंप्लेंट नहीं की आपने? अरे हम क्या, हम तो मंडी आए हो चले जाओ, जैसी हमारा तो हम मंडी आए हो चले गए, हमारा काम काम से फुर्सत नहीं है, समय तो ही रखा है, समय तो ही रखा है। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये मंडी में 2-3 दिन के पड़े हैं, मंडी हो नहीं रही, ट्रैक्टर की बहुत ट्रैक्टर पड़े हुए हैं, इसमें कम से कम हम कल के आगे डले हुए हैं, ना तो कुछ खाना ना पीना, पानी व्यवस्था ना खाना गर्म पानी, हाँ। और जो अपने मर मर्जी का भाव लगा रहे हैं अभी, जो लगाते हैं जो भाव है वो भाव लगना चाहिए सरकारी। तो आपको जो खाना पीना नहीं मिल रहा है उसमें, उस संबंध में आपने मंडी सचिव से बात नहीं की क्या? आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, जब बोली सचिव साहब तो उन्होंने अपने हिसाब से देख लो गई, हाँ जो पानी ये सोचना चाहिए कम से कम, किसान लोग सब परेशान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करण सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? लेकिन डले हैं यहाँ तो, कोई पानी पीने की व्यवस्था है ना, कोई पानी की व्यवस्था है, गर्म पानी मिल रहा है बिल्कुल सफा, और ना कोई नियम का पालन है बिल्कुल भी। मंडी सचिव से बात, मंडी सचिव से बात करी, बोले कि तुम आपसे में देख लो हम क्या करें। तो इस मंडी में कैंटीन चलता है, उसमें किसानों के लिए खाने की व्यवस्था रखी गई है? कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, खाने से ट्रैक्टर लाए, अब भाड़े के ट्रैक्टर 3 दिन हो गए, नॉर्मल भाड़ा लगा है, 3 दिन का भाड़ा है। मामा जी से ये कहना है जब हमारे जी की कीमत है और व्यवस्था सुधार है, हां सब तक है मामा जी, ये दोबारा नहीं आ रहा है कांग्रेस, और हमारा माल है उचित रेट में भाव में मिलना चाहिए, इसका भाव चौवन सौ से इसकी रेट है, तो कम से कम 2400 रेट तो मिलना चाहिए हमें, 4 47 47 से भाव। क्या नाम है आपका? मेरा संजय सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? मोना गांव ददोरी।